और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर बहादुरगढ़ से आ रही है, जहां रामकुमार गौतम के बयान पर बोले हैं दीपेंद्र हुड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर, सत्ता पक्ष के विधायकों में छटपटाहट है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक है उनमें छटपटाहट है, हमारी सहानुभूति उन विधायकों के साथ है। आपने सुना कि विधायक रामकुमार गौतम ने किस तरीके से नाराजगी दिखाई, उस पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। जन भावनाओं के खिलाफ बनी बीजेपी जेजेपी की सरकार, जेजेपी और निर्दलियों पर दीपेंद्र हुड्डा ने तंज कसा है, क्योंकि बीजेपी को समर्थन दिया इसके बाद अब ये नाराजगी दिख रही है। निजी स्वार्थ में जन भावनाओं के खिलाफ बीजेपी की सरकार बनवाई। बड़ी खबर, रामकुमार गौतम के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों में छटपटाहट दिख रही है, क्योंकि आपको बता दें विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि बाकी के 9 विधायकों को लोगों ने वोट देकर बनाया है, ऐसे में सभी विधायक उनसे परेशान है। और किस तरीके से उन्होंने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर निशाना साधा है, क्या कुछ कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, सुनवाते हैं आपको। मैंने जैसे कहा अपनी अपनी स्पीच में, मैंने एक बात कही थी कि जो इनके विधायक हैं उनमें छटपटाहट इसीलिए है, चाहे वो जेजेपी के हों चाहे निर्दलीय हों, उन्होंने वोट बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए ली थी। उनके एक एक मतदाता ने इसीलिए वोट दी थी कि सरकार को दोबारा से खट्टर सरकार दोबारा सत्ता में ना आए। उनकी भावनाओं को रौंदते हुए मैं समझता हूँ कि अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी एजेंडा के लिए, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं क्योंकि वो तो आज तक नहीं बना, निजी एजेंडा के लिए इन्होंने बीजेपी का की सरकार बनवाने का काम किया दोबारा, इसीलिए इनके विधायकों में ये छटपटाहट दिखाई दे रही है। और उनकी छटपटाहट से हम सहानुभूति रखते हैं, हम समझ सकते हैं क्योंकि जन भावनाएं किसी दूसरी तरफ थी और सपोर्ट किसी और का किया गया था। तो जेजेपी और निर्दलियों पर दीपेंद्र हुड्डा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि निजी स्वार्थ में जन भावनाओं के खिलाफ बनाई बीजेपी की सरकार और अब ये छटपटाहट विधायकों की देखने को मिल रही है। रामकुमार गौतम के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि अब ये विधायकों की छटपटाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर निशाना साधा है दीपेंद्र हुड्डा ने। और आपको सुनवाया क्या।